हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको पानी से जुड़े कुछ आसान उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनको आप बड़ी आसानी से अपने घर में कर सकते हैं और अपने घर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकते हैं। आज के डिजिटल युग में बैंक से कर्जा लेना दिन ब दिन बड़ा आसान होता जा रहा है। आपको हर शॉपिंग मॉल या पेट्रोल स्टेशन पर बैंक के लोग क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हुए बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, और कई बार हम लोग इसी तरह ना चाहते हुए भी कर्जे के बोझ में दबना शुरू हो जाते हैं। और ज्योतिष के मुताबिक कर्जे का सीधा संबंध पानी से होता है, और अगर आपके घर में बाथरूम के नल लीक हैं या किसी तरह का वास्तु दोष है तो आप भी कर्जे के बोझ में दब सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बाथरूम से जुड़े कुछ आसान उपाय बताने जा रहा हूं, जिनको करने से आपके घर से गरीबी दूर होगी, और अगर आपने किसी तरह का कर्जा लिया हुआ है तो वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी की बर्बादी कम से कम हो। अगर आपके बाथरूम में कोई नल हमेशा टपकता रहता है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं। पानी की बर्बादी का ज्योतिष में सीधा धन की बर्बादी के साथ जुड़ाव होता है। जितना पानी आपके बाथरूम में बर्बाद होगा उतनी पैसे की तंगी और कर्जा आप पर बढ़ता जाएगा। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी का इस्तेमाल करें। एक बात का ध्यान रखें कि बाल्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। नीले रंग बाथरूम में इस्तेमाल करना पॉजिटिविटी लाता है। इस बाल्टी को रात के समय भरकर रखें और पानी को दूसरे दिन प्लांट्स में डाल दें या फिर बाथरूम को धोने के लिए ही इस्तेमाल कर लें। रात को भरकर रखे हुए पानी को नहाने में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर बाथरूम में आपने आईना यानी कि मिरर लगा रखा है तो इस बात का ध्यान रखें कि यह आईना बाथरूम के दरवाजा खोलते ही बिल्कुल सामने की तरफ दिखाई ना दे, क्योंकि बाथरूम के अंदर काफी नेगेटिव एनर्जी होती है और आईना इस नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सारे घर में फैला देता है। घर में जो पानी की टंकी होती है उसकी साफ सफाई भी ज्योतिष के अनुसार बहुत जरूरी है। पानी की टंकी के तल पर जो गंदगी जमा हो जाती है वो बहुत नेगेटिविटी लाती है, इसलिए पानी की टंकी के अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर टंकी ओवरफ्लो होती है और पानी वेस्ट होता है तो भी आपको धन का नुकसान हो सकता है। अगर छत पर पानी जमा होने से घर में सीलन आती है तो आपको पैसों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने बाथरूम की सफाई प्रॉपरली करवाएं। बाथरूम में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरे घर में परमात्मा का वास होता है और हर तरह की नेगेटिविटी घर से दूर रहती है। आज के समय में रूम के साथ ही अटैच बाथरूम बनवाने का रिवाज है। पुराने समय में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, बाथरूम और रूम से दूर होते थे। अगर आपके बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है तो कोशिश करें कि उसका दरवाजा हमेशा बंद ही रहे। इस तरह से बाथरूम की जो नेगेटिव एनर्जी है वह आपके रूम में एंटर नहीं करेगी। अगर आप एक क्रिस्टल बाथरूम के दरवाजे पर टांग सकते हैं तो और भी बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। बाथरूम के अंदर किसी कोने में खड़ा नमक रखने से या बाथरूम के दरवाजे पर फिटकरी बांधने से भी धन के नुकसान से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, यह कुछ आसान से उपाय थे जो आप बिना कोई पैसा खर्च किए कर सकते हैं और धन के नुकसान को रोक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।